इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा बीकानेर से सटे बॉर्डर दौरे पर रहे और जहां उन्होंने सीमा जल कल्याण समिति के कार्यक्रम में भाग लिया और वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने जम्मू कश्मीर में अगर 370 को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और बिट्टी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। इस वक्त हमारे साथ है MS बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ हैं वो। और देखिए, डाइनिंग हॉल में आतंकवाद के खिलाफ बात करना, क्रांति की बात करना बेहद आसान है, लेकिन ये वो शख्स हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़े हैं, तो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा साहब, आतंकवाद का वो दौर और आज की स्थितियाँ, कितना बदलाव और कितना महफूज है भारत? पहले तो मैं सीमा जन कल्याण के सब अधिकारियों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आतंकवाद की आपने बात की, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे, नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया था, हमने भी गिला शिकवा किया था, हम अमन शांति चाहते हैं। और उसके बाद हमें पता था ये पाकिस्तान हरकत जरूर करेगा। जब वाजपेयी जी गए थे पाकिस्तान, उसके बाद चंबा के अंदर 25-30 लोग शहीद किए थे, तो ये पाकिस्तान ने क्या किया उसके बाद? तुरंत पाकिस्तान नहीं कह सकते, ISI जो चाहती नहीं संबंध सुधरे, दीनानगर और पठानकोट की घटना की। और मेरा आपसे एक सवाल है, उस घटना के बाद एक गोली पाकिस्तान से चलती है, 100 गोली का जवाब दिया जाता है। सरकार ने, सरकार की जो पॉलिसी थी, अगर 18 जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान में घुस के 42 ठोक के आए, अगर 42 जवान शहीद हुए तो पाकिस्तान में घुस करके हम 300 से भी ऊपर उनको 12 प्लेन गए और जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आए और वो करके आए। तो कभी कांग्रेस ही रहे बिट्टा ये मानते हैं कि मैं देखो, मैं आजाद विचारधारा को हूँ, वो हूँ लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल की, पार्टियों पूटियों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। राष्ट्र के ऊपर ना प्राइम मिनिस्टर की परवाह की, ना किसी CM की, प्रथम राष्ट्र। इसीलिए मेरा ये सवाल था, मुझे ध्यान है बीएन सिंह सरकार में आप मंत्री रहे थे, तो मेरा सवाल ये था, तो क्या ये आप मानते हैं कि मोदी की जो पाक नीति है पाकिस्तान को लेकर, जिस तरह का उन्होंने अग्रेसिव रवैया अपनाया है, वो बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है? सवाल इस वक्त ना BJP का है, ना BJP की गवर्नमेंट का है, ना मोदी जी का है। प्रथम राष्ट्र, उनकी पॉलिसी पहले भी क्लियर थी, उनकी पॉलिसी अब भी क्लियर है। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को अगर किसको राष्ट्र से नहीं प्रेम, वो अलग अलग नुक्स निकालता रहे, ये तो मेरा अनुभव है। मैं ना किसी से टिकट लेनी है, ना मैं किसी से कुछ बनना है, मेरे लिए तो प्रथम राष्ट्र, मेरी तो बोनस की जिंदगी, मैं तो मर चुका बम्बों से, 14 बार अटैक हुए, मर चुका, मेरा तो बचा हिस्सा जीवन के लिए, देश के लिए समर्पण है ना। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।